जीएसटी चलेगी 50-50 लाख रुपए उसको मिले। फिर इनकम टैक्स की बारी आई तो इनकम टैक्स में 30-35% 50 लाख के ऊपर चले गए, तो उसमें से बचे उसको 15 लाख जाने के बाद उसको बचे कुछ तो 33-34 लाख। सर 33 लाख बचने के बाद उसने कोशिश की कि अपन एक गाड़ी ले ले, तो ये भारत की एक मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी लेने के लिए वो जब गया तो 29-30 लाख की गाड़ी खरीदी। उस पर जब देखा तो मूल गाड़ी की कीमत सिर्फ 17 लाख थी, बाकी टैक्स था, रोड टैक्स था, इत्यादि जीएसटी था, सेस था। तो 17 लाख की गाड़ी लेने के लिए 60 लाख का इनकम कहाँ चला गया ये पता नहीं चला। सर ये अच्छी साझेदारी हुई कि कमाए हम और लुटे और बटोरे सरकार। 17 लाख और कमाने के लिए गाड़ी लेने के लिए 40 लाख का टैक्स भरना पड़ता है। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि नथिंग इज सर्टन इन दिस वर्ल्ड बट डेथ एंड टैक्सेस। सर सरकार ने ये शायद बहुत ही सीरियसली वाक्य ले लिया है। इतने सारे टैक्सेस है सर, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, गिफ्ट टैक्स, अदर टैक्स ऑफ इनकम इंडेक्स एक्सपेंडिचर, वेल्थ टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, रोड टैक्स, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वैट, पेरोल टैक्स, कंजम्पशन टैक्स, डिविडेंड टैक्स, विंडफॉल गेन टैक्स, ग्रॉस रिटेल टैक्स, होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एजुकेशन सेस, रोड सेस, एंजल टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इक्वलाइजेशन टैक्स, पता नहीं सर कितने टैक्स हैं। आजकल तो ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा दिया है। सर मुझे लगता है नॉर्थ ब्लॉक में ये बैठते हैं और डिक्शनरी खोल देते हैं, जो पहला शब्द आता है उसके नाम से टैक्स ठोक देते हैं। पता नहीं इनका टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है। सर एलटीसीजी पे मैं बात करूंगा। सर कोई अपनी एसेट या कमाई क्यों बेचता है? घर में शादी हो तो, कोई बीमार पड़ा हो तो, या कोई बड़ा नुकसान हो तो। यह समय है जब अपेक्षा है कि सरकार कोई मदद करे। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता, सालों से सरकारें जब दिक्कत में अपन कुछ बेचते हैं उस पर पैसा लेते आए हुए। अपेक्षा यह थी कि यह 20% का LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम किया जाएगा। सर लेकिन कम करते वक्त अर्थमंत्री जी ने इसमें से जो बेनिफिट था इंडेक्सेशन का वो निकाल दिया। सर ये ऐसा हुआ कि यह इलाज को बीमारी से भी ज्यादा जहरीला निकल गया। सर हमारे मराठी में एक कहावत है, भीख नको पन कुतरा अवर, यानी जो हमको चाहिए वो तो दे दो लेकिन वो रहा बजे हमारे ऊपर कुत्ते ना छोड़ो। तो ये बुरी हालत सर, पहले तो महंगाई डायन खा रही है, अब सर सरकार शैतान बनके टैक्स लुटे रही है। सर मिडिल क्लास और अपर क्लास का जो वोट बैंक है वो इस सरकार से दूर जाता दिख रहा था। सर 4.8% सिर्फ लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन ये 4.8% लोग जो कुल टैक्स देते हैं वो टैक्स पूरे कॉर्पोरेट टैक्स, सारे कॉर्पोरेट टैक्स मिला के ज्यादा इनकम टैक्स सिर्फ 4-5% लोगों से, फीसदी लोगों से लिया जाता है। सर ये तो हमने बचपन में रॉबिनहुड की स्टोरी सुनी थी, पिक्चर भी बनी है। सर ये रिवर्स रॉबिनहुड है, रॉबिनहुड अमीरों को लूट के गरीबों को देता था, सर ये सरकार गरीबों को लूट के अमीरों को पैसा देती है। सर दूसरा तो ये सेस और सरचार्ज जो इमरजेंसी में डालना है इसमें इसको स्टैंडर्ड कर दिया। ये सेस और सरचार्ज लगा के स्टेट का हिस्सा चुरा के ये सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट ने लेने की ये जो इनकी साजिश है ये सब जान रहे हैं। महाराष्ट्र जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, महाराष्ट्र के हिस्से में इतना सारा टैक्स देके क्या मिला? सामान्य आम आदमी को क्या मिला? सर टूटी हुए सड़कें, भीड़ भाले वाले अस्पताल, सर घंटों घंटों बैठते तो इलाज मिलता है। सर आई थिंक दिस इज नॉट अ रिफॉर्म बजट बट ये बदले का बजट है, जो बदला लेना है कि इनको वोट ना मिले। सर एक 2-3 डिमांड रखे, मैं अपना भाषण कंक्लूड करता हूं। सर ये सेक्शन 83 की जो लिमिट है, इन्होंने मेडिकल पे जीएसटी बढ़ा दी, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जीएसटी बढ़ा दी है, खर्चे बढ़ रहे हैं। सर द लिमिट ऑफ 1,50,000 इज इनसफिशिएंट, आई रिक्वेस्ट देम टू रिकंसिडर। और एक डिमांड है सर, ऑलमोस्ट डन। सर पार्टनरशिप फर्म और LLP जो है ये कॉर्पोरेट को 25% टैक्स ब्रैकेट पे ले आए, 400 करोड़ वाले टर्नओवर कंपनी को। सर इसमें अगर ये LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है जो छोटे लोग हैं उनको ले आए तो और फायदा होगा। और सर और लास्ट पॉइंट, अफोर्डेबल हाउसिंग का जो 1% का GST रेट है इट्स ओनली अप टू 45 लाख। सर 45 लाख में कहाँ घर मिलता है? वो लिमिट थोड़ी बढ़ा दे। इतने में आपके सर मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ। और भडौरिया, श्री आनंद भडौरिया प्लीज। सभापति महोदय, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए,
कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। बकौल भारतीय जनता पार्टी, आर्थिक नीतियों पर दुनिया के सामने तो हम बड़े हो गए हैं, लेकिन बड़ा भारत माने आप क्या समझते हैं? बड़ा भारत माने बड़े लोगों का भारत या गरीबों का भारत? मैं सत्ता पक्ष के तमाम लोगों को सुन रहा था। अगर गरीबों का भारत है तो फिर गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भुखमरी क्यों है? सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे और पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप भी लगा रहे थे कि 100 में 15 पैसा जाता था, अब जब 100 में 100 पैसा जा रहा है तो देश के हालात ऐसे क्यों हैं? सभापति जी, देश के अंदर 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं और 8 करोड़ में लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो कम आय वर्ग से संबंधित हैं, जो अपनी आय का 15.22% हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में, अपने घर संबंधी खर्च के रूप में, खान पान में 18 से 20% हिस्सा खर्चों पर कर के रूप में आम आदमी चुकाता है। बची हुई राशि लाइफ स्टाइल, बचत, निवेश, इस पर खर्च करता है, उस पर भी कर का भुगतान करना पड़ जाता है। इस प्रकार एक मध्यम वर्ग व्यक्ति को 50 से 55% प्रतिभाग कर के रूप में करना पड़ता है, यानी वो प्रभावी रूप से 45-50% आय ही स्वयं पर उपयोग कर पाता है। आम आदमी अपनी आय पर आयकर देने के उपरांत जरूरत के लगभग सभी वस्तुओं पर GST चुकाता है, फिर अगर कुछ राशि बच जाए तो घर मकान खरीदता है, उस पर भी रजिस्ट्री शुल्क देता है, वाहन खरीदे उस पर भी टैक्स दे, रोड टैक्स दे, पेट्रोल डीजल पर टैक्स दे, और फिर कुछ बच जाए तो बचत योजनाओं में इन्वेस्ट करे, उस पर भी मिलने वाले ब्याज पर GST देने का काम करे। माननीय वित्त मंत्री जी, जब कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं तो आपने इस वित्त विधेयक में, वित्त बजट में कोई उसका उल्लेख नहीं किया। जल जीवन मिशन, जिसकी बहुत चर्चा हुई, हर घर जल पहुंचाने की, आज सड़कों की हालत उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? जो माननीय अखिलेश यादव जी ने सड़कें बनाई थी जनेश्वर मिश्रा ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत, आज गांव की सारी सड़कें जल जीवन मिशन वालों ने खोद करके डाल दी और वो सड़क दोबारा बनाई नहीं, उसमें वही मिट्टी भर दी है, कई दुर्घटनाएं हो गई। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सभापति महोदय, जब हरेक व्यापार में नगद भुगतान होता है तो फिर किसान के गन्ने का उधार क्यों लिया जाता है? क्यों नहीं किसान जब गन्ना देता है तो उसको तत्काल उसका भुगतान कर दिया जाता है? आज राशन कार्ड के लिए लंबी लंबी लाइनें ई वेरिफिकेशन के नाम पर कंप्यूटर सेंटर पर लगी हुई है। किसानों का शोषण किया जा रहा है, गरीबों का शोषण किया जा रहा है, मजदूर का तो अंगूठा घिस गया है माननीय सभापति जी, अब उसका ई वेरिफिकेशन कैसे होगा? सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा कार्ड की बात यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे थे, लेकिन आपने कह दिया कि जिसके परिवार में 6 लोग होंगे उसी का कार्ड बनेगा, इस पर भी कभी सोचने का काम कर दीजिए। शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उनको मानदेय नहीं बढ़ाना चाहिए आपका? नहीं परमानेंट कर सकते अदालत के चक्कर की वजह से, तो उनका मानदेय बढ़ाने का काम कर दीजिए। टेलीकॉम सभापति जी, जस्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, वैसे तो अभी हमारी पार्टी का समय है, लेकिन 2 मिनट में इसलिए टेलीकॉम कंपनियों ने BSNL को छोड़ दीजिए तो सारी कंपनियों में, क्या आप नहीं कह सकते थे कि आनंद फानन में इतना क्यों रेट बढ़ा दिया गया? मैं उस रेट को वापस लेने की मांग करता हूं। सभापति महोदय, पुलिस ड्यूटी के 8 घंटे किए जाए और पुलिस को भी छुट्टी देने का काम किया जाए, ये मैं मांग करने का काम करता हूं। आपदा में अवसर लगातार आपका नारा सुनने को मिलता है, इसीलिए आपने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा में प्रीमियम लगा करके प्रीमियम पर 18% GST लगाने का काम कर दिया। माननीय
सभापति जी, आर्थिक सर्वेक्षण में से स्पष्ट है कि देश में मांग सृजन होना चाहिए, इसलिए कृषि, ग्रामीण विकास, एमएसएमई तथा मैन्युफैक्चरिंग पर बिना ध्यान दिए ये संभव नहीं है। और पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी के दायरे में लाने का काम करना चाहिए, जिससे आम आदमी को कम से कम राहत मिल सके। जो अनक्लेम्ड रकम पड़ी हुई 71,213 करोड़ रुपए और बैंक में जो कम पैसा रखने पर 8,300 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, उससे कम से कम किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए। लेकिन मैं जानता हूं सभापति जी, ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें उद्योगपतियों का कर्जा माफ करना है, इन्हें पोत किसी एक आदमी को देना है, इन्हें एयरपोर्ट भी उसी उद्योगपति को देना है, इन्हें बिजली भी उसी उद्योगपति का सौंपना है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब वो उद्योगपति चाहेगा तो देश ठप कर देगा। अंत में यहाँ दरख्तों के साये में भी धूप लगती है। श्री ब्रिजेंद्र सिंह से चले और उम्र। थैंक यू, धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं मेरे दल का भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे बोलने का अवसर दिया इस वित्त विधेयक पर। देखने से लगता है कि ये धनवानों के लिए